नमस्ते दोस्तों, इस श्रृंखला के 8वें हारमोनियम पाठ में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने 3 ताल में एक अलंकार हारमोनियम में बजाना सीखा था। हम आशा करते हैं कि आपने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा। अगर आपने अभी तक वह पाठ नहीं देखा है तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। आज का नया पाठ एक नए ताल पर आधारित है। हम सरल अलंकार से शुरू करते हुए जटिल अलंकारों को जानेंगे ताकि हमारी उंगलियां अच्छी तरह रीड बोर्ड में बैठ जाए, ताकि हम आसानी से हारमोनियम बजा सके। परंतु आज का पाठ शुरू करने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हारमोनियम से संबंधित सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ का पिच है B2। आज के पाठ का नया ताल है रूपक ताल। इसके 7 मात्रा है। इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह किया जाता है, 3/2/2। आज के पाठ का टेम्पो है 110 BPM। चलिए देखते हैं आज के पाठ का अलंकार क्या है। सबसे पहले विलंबित लय, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे हारमोनियम में बजाएंगे।
यह था विलंबित लय या धीमी गति। अब मध्य लय की अलंकार देखते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखते हैं कि इस अलंकार को हारमोनियम के साथ कैसे बजाएं। यह था मध्य लय या मध्य गति। और इसके साथ हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज आप एक नया हारमोनियम पाठ सीख पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं बेल आइकन के साथ, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वह भी हारमोनियम के बारे में सीख सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमारे अगले वीडियो में हम आपको हारमोनियम का एक और नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं जो स्क्रीन में अभी आने वाले हैं। इसके साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।